हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूड। अगर आपका बजट 20,000 है एंड इस बजट में आप अपने लिए कोई से भी एक पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें कि सभी फीचर्स एकदम तगड़े तगड़े लेवल के हो, देन आप सही वीडियो पर आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 20,000। जो जो स्पेसिफिकेशन आप 20,000 के अंदर एक्सपेक्ट करते हो वो सभी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावरफुल प्रोसेसर, तगड़ा कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तगड़ा डिस्प्ले, मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिल जाएगा। सभी स्मार्टफोन का जो प्राइस है 1,000 से 2,000 रुपये अप डाउन होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एंड स्मार्टफोन लेने से पहले आप एक बार अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का बेस्ट बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको पसंद है तो आप बाय भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। और अभी टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अंदर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो लाभा की तरफ से लाभा अग्नि 2 5G। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज लग अच्छा एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, इसमें भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सिंगल वन स्टेज स्पीकर है, इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। नए 3.5 mm का हेडफोन जैक लगा सकते हो। फोन कॉल लेकर एक डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4700 mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए, 66W का इनबॉक्स चार्जर भी। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.78 इंच का 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 915 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड स्काउट सेंसर का ग्लास प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। 20,000 के आसपास में यही स्मार्टफोन है जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। मूवीज देखने में काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको स्पेक में 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है एंड लो लाइट में ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टी 7050 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु उसका 5,20,000 के करीब में। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके R256 का जो प्राइस है 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये। 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। मैडम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो इंफिनिक्स की तरफ से इंफिनिक्स GT10 Pro 5G। ये स्मार्टफोन इस लिस्ट का सबसे नया स्मार्टफोन है एंड इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी कमाल का मिलता ही है एंड इसके साथ ही आपको बाकी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी और डस्ट रोक सकता है। डुअल स्टेज स्पीकर देखने को मिलता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब कि इसमें आप 2 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल करने के लिए डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 2 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए, 45W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 900 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड NEG ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले इसमें आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, बेजल्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, कलर साइज ब्राइटनेस सब कुछ आपको अच्छे लेवल का मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रैक में 108MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 32MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 2K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का मिलता है, मतलब कि अबव एवरेज है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टी 8050 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु स्कोर 7 लाख के करीब में। परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा यह स्मार्टफोन। लो टू हाई सेटिंग पर अच्छे से लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग यूजर्स के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 19,999 रुपये यानी कि 20,000 रुपये। 2000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, देन इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन है 18,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड 18 से 20,000 के अंदर अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला अच्छा ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बड़े में थोड़ा सा और एक बार तरफ बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमन 20 Pro 5G। इस स्मार्टफोन में आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले एंड कैमरा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का मिल जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन है ये। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो लेदर का बैक देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। IP53 सर्टिफाइड है। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। 3.5 mm का हेडफोन जैक है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल लगाने के लिए डिस्प्ले है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा एंड 2 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए। 33 W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में। तो इसमें लगा 6.67 inch का फुल HD+ 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 800 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिलता है एंड बेजल्स काफ़ी कम है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 MP+2 MP+2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 32 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 2K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डेमेंसिटी 8050 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतर तो उसका 660,000 के करीब में। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप लो टू हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग यूजर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा यह स्मार्टफोन। ये जो स्मार्टफोन टोटल 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 8128 का जो प्राइस 19,999 रुपये यानी कि 20,000 रुपये एंड 8256 का जो प्राइस 21,999 रुपये यानी कि 22,000 रुपये। 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को आपको मिल जाएगा एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन एकदम कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन है। बड़े में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 60 Pro 5G। इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। नए 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि फोन कॉल करने के लिए इंडेस ब्लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 years तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए। 67 W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.7 inch का फुल HD+ 10-bit सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 950 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। जब आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो आपको ये प्रीमियम टाइप का फील कराएगा एंड कंटेंट वाचिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 100 MP जिसमें एक लगा OIS का सेंसर प्लस 2 MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस आपको डिसेंट टाइप का मिल जाएगा। डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डेमेंसिटी 7050 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतर तो उसका 5,50,000 के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 21,249 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप पर डे 500 से 1000 कमा सकते हो बिना किसी रिस्क लिए। मतलब कि बिना रिस्क के आप 500 से 1000 इजीली कमा सकते हो, बस आपको प्रिडिक्ट करना है कि बिग आएगा या स्मॉल। एंड मैं इसका भी ट्रिक बता दूंगा आपको कि कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे कि बिग आएगा स्मॉल। एंड 80 to 90% चांसेस है कि वो आता ही है, जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ वो आता है। आप भी ऐसे प्रिडिक्ट करोगे जो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ तो आपका भी चांसेस रहेगा कि 80 to 90% वही आएगा जो आप प्रिडिक्ट करोगे। तो चलिए गाइस मैं आपको विड्रॉल प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके वैलेट पे जाने के बाद यहाँ पे जो विड्रॉल हिस्ट्री है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। 492 का मैंने विड्रॉल लगाया था कल, वो भी मैंने विड्रॉल कर लिया था। फिर से देख सकते हैं, फिर 1164 का मैंने विड्रॉल लगाया था, वो भी विड्रॉल कर चुका हूँ और ये जो रिजेक्ट हो गया था। और मैं आपको विड्रॉल दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा ट्रस्ट हो जाए। मैंने इस अकाउंट से भी बहुत ज़्यादा विड्रॉल किया था। मैं इसका जो विड्रॉल हिस्ट्री दिखा देता हूँ, यहाँ पे 110 मैंने, फिर 570, 150, 280, 110, 110, ऐसे करके मैंने बहुत सारे विड्रॉल लगाया। और मेरा जो 3-4 अकाउंट है सब में मैंने 500 से 1000 तक का विड्रॉल लगाया ही है पर डे। मतलब मैं भी 2 से 2500 निकाल लेता हूँ इसमें से। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन कौन सा है एंड इसमें आपको अर्निंग कैसे करनी है, कैसे खेलना है और सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम है 91 क्लब। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। मैं आपको रजिस्टर करने का प्रोसेस दिखा देता हूं। वीडियो के लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहां पहुंच जाओगे। यहां पे पहुंचने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और एक पासवर्ड सेट करना है जो कि आपको याद रहे। एंड पासवर्ड सेट करने के बाद ये मेरा इनविटेशन कोड है, इसको आप लोग डाल देना। और वैसे भी अगर आप लिंक से क्लिक करोगे तो आप जो इनविटेशन कोड है वो तो डाला ही रहेगा। उसके बाद यहां पे रजिस्टर का बटन है, उसको आपको क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होगा इस गेम में खेलने के लिए। तो यहाँ से आप वैलेट में जाके आप डिपॉजिट पर क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हो। और यहाँ पे आप जिस बैंक ट्रांसफ़र करना चाहो, UPI ऐप करना चाहो, जिससे भी आप ट्रांसफ़र करना चाहो उसे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे UPI सेलेक्ट करके आपको जितना अमाउंट ऐड करना है उतना अमाउंट आप ऐड कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप 100 रुपये ऐड करो। एंड अगर आपके पास बजट है, मतलब 300 तक अगर आप है आपके पास, तो आप 300 ऐड करो ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाओ। मतलब कि एक दिन में ही आप 20 से 25 मिनट में उतना प्रॉफिट निकालोगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 100 रुपये ऐड करता हूँ। अब गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिडिक्ट करना है, जैसे 2 बिग हैं फिर 1 स्मॉल, फिर 3 बिग फिर 1 स्मॉल, फिर 1 बिग फिर 2 स्मॉल, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि बिग आए। इसको आप प्रिडिक्ट करोगे आपको मतलब खुद फील होने लगेगा कि हाँ इस बार कौन सा आने वाला है। जैसे कि मुझे लग रहा है बिग आएगा, तो यहाँ पे मैं बिग पे 5 रुपये लगा दे रहा हूँ। 5 रुपये लगाओगे आपको डबल मिलेगा, मतलब 10 रुपये मिलेगा, 9.80 मिलते हैं, मतलब वही 10 रुपये के करीब में आपको एक बेट का मिलेगा। एंड जब आप हार जाओ तो 5 का आप 10 कर लेना, फिर 10 भी हार जाओ तो 15 कर लेना। आई थिंक 2 से 3 दान हारोगे उसके बाद से आप विन करने लगोगे। एंड फिर जब आप विन कर लो, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मैंने बिग पे सेलेक्ट किया था और बिग मेरा आ चुका है। यहाँ पे मैंने बिग पे बेट किया था और देख सकते हैं यहाँ पे 9.80 पैसे हो चुके हैं। ऐसे ही आपको भी खेलना है। अगर आप खेल रहे हो, अगर जीत रहे हो तो आप एक ही अमाउंट लगाओ, जैसे 5 लगा रहे हो तो 5 ही लगाते रहो। एंड जब आप हार जाओ तो आप अमाउंट को डबल कर देना, मतलब 5 हार गए 10 लगाना, 10 हार गए 20 लगाना। एंड 20 तक जाते जाते उसके बाद से आप विन करने लगोगे। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 3 बिग आए फिर 1 स्मॉल है, फिर बिग आया फिर 2 स्मॉल, ऐसे करके आपको भी देखना है कि पहले का ग्राफ कैसे चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बेट करना है। एंड इसे आप इजीली काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से बिग आएगा, तो मैं यहाँ पे बिग पे 5 रुपये फिर से लगा देता हूँ। देख सकते गाइस फिर से बिग आ चुका है, तो मुझे जो है वो पैसे मिल जाएंगे और यहाँ पे मेरे जो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं अकाउंट को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख सकते गाइस मुझे 9.80, ऐसे ही करके आपको प्रिडिक्ट करना है। आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा आया। जैसे कि मान लीजिए एक रूल देखना है कि 3 बिग आया उसके बाद 1 स्मॉल, फिर 1 बिग फिर 2 स्मॉल, फिर 2 बिग, अब आई थिंक स्मॉल आएगा, ऐसे ही करके आपको प्रिडिक्ट करना है। एंड काफ़ी इजीली आप बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग कर सकते हो। तो सो जाकर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाकर आप लोग इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कीजिए और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कीजिए। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप हारो तो अमाउंट को डबल कर देना एंड ज़्यादा अमाउंट पे मत जाना। अगर 300 लगाए हो तो 450 हो जाए तो विड्रॉल कर देना। एंड डेली आप विड्रॉल कर देना, जितना अमाउंट है आप विड्रॉल कर देना, मतलब कि 50% तक आप इंक्रीज कर जाओ। जैसे 200 लगाए अगर 300 कर दो तो आप विड्रॉल कर दो, फिर नेक्स्ट दिन खेलो आप, बट विड्रॉल कर देना। तो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए और आप भी अर्निंग कीजिए। वीडियो में थोड़ा सा और बढ़ता बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता हूँ मोटो की तरफ से, मोटो G84 5G। ये स्मार्टफोन एकदम कंप्लीट पैकेज ऑलराउंडर स्मार्टफोन है।
इसमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 12 GB का बड़ा रैम एंड 256 GB का बड़ा स्टोरेज देखने को मिलता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है 54 सर्टिफाइड है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल लगाने के लिए एंड ब्लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 1 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बड़ा बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस 10 bit POLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको एक्सीलेंट लेवल का मिलता है, कंटेंट वाचिंग में काफ़ी मजा देगा। यहाँ पर आपको इस बैक में 50 MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 8 MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का परफॉर्म करता है, डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है एंड लो लाइट में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु स्कोर 4,50,000 के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इसे आप लो टू मीडियम सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 12256 का जो प्राइस है 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 20,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार कर, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। क्या इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।